तो लिटरेचर को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये जो वॉशिंग मशीन है, ये शरीर के साथ में ये लिटरेचर है, ये वास्तव में ना कि कैसे इस मशीन को इस्तेमाल करना है, ये जो मशीन मिली है इसको कैसे प्रयोग करना है इसमें बताया है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद एक बात कहते थे कि जो भगवत गीता नहीं पढ़ता वो सहजिया है। सहजिया का मतलब समझते हैं, सब वस्तुओं को सहज लेता है, किसी को ज्यादा वो सोचता नहीं कि क्या गंभीर होने की जरूरत क्या है इतना ज्यादा जीवन में। सहजिया उसको कहा जाता है। सहजिया का मतलब होता है कि दिखावा तो करता है कि बहुत सब कुछ जानता है लेकिन करता कुछ नहीं है, उसको कहते हैं सहजिया। उसको कुछ गंभीरता नहीं होती। तो आप इस बात को तो मानते ही हो कि अगर हमारे पास लिटरेचर नहीं है कि इस मशीन को कैसे चलाना है तो कपड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं, और हम वही चिथड़े उड़ा रहे हैं अपने शरीर के दिन पर दिन। एक चिथड़ा इसका कमजोर होता जाता है, दिन पर दिन ये शरीर कमजोर होता जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग तो सोच रहे होंगे अभी नया साल आने वाला है और फिर हम बोलेंगे सबको क्या, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन नया साल नहीं आने वाला है, आपकी जिंदगी में से एक साल जाने वाला है। बहुत सुंदर है, किसी ने भौतिक कवि ने लिखा था, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। कि जो पल आ रहा है वो जा भी रहा है, और अगर आपने उसी में कुछ नहीं पकड़ करके अपने आप को संवारा तो ये भी चला जाएगा, ये पल भी, और धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है सब कुछ। हम कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे आज ही मुझे अभी बता रहे थे कोई एरोप्लेन, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और भारत का सबसे बड़ा जो सेना अध्यक्ष है और अपनी पत्नी सहित उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो कितना बड़ा अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर है वो तो बता रहे ना, डेथ हो गई। देखिए कितने दुख की बात है ना, जितने भी व्यक्ति उसमें बैठे थे सब खत्म। हम सोचते हैं लेकिन वो तो मूर्ख होते हैं ना, जो मर जाते हैं वो मूर्ख होते हैं, हम हैं समझदार, हम थोड़ी मरेंगे कोई है कि नहीं। लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए इस लिटरेचर को पढ़ना बहुत आवश्यक है, जो कि अर्जुन के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। और आज अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, क्या बोल रहे हैं, एवं एतत तथा तथ, इस प्रकार जिस प्रकार आपने बताया है, आतत का मतलब है आपने जिस प्रकार से मुझे बताया है, आत्मानं परमेश्वर, आपने स्वयं अपने आप को मुझे बताया है। तो भगवान की बहुत बड़ी दया है। भगवान कृष्ण जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं बस, इसलिए कृष्ण को कोई भगवान मानता नहीं। मतलब आप समझिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 4,32,00,000,000 साल होते हैं, कितने 12 घंटे, वो भी और रात अगर जोड़ दी जाए तो 8,64,00,000,000 साल होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं कृष्ण बस, यानी हर रोज ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण आते हैं, लेकिन हमारे यहां बीत जाते हैं कितने साल, करोड़ों साल, अरबों साल बीत जाते हैं, इसलिए कोई कृष्ण को भगवान मानता नहीं। हमेशा कौन भगवान रहते हैं, भगवान विष्णु आते रहते हैं अवतार ले लेकर के, विष्णु भगवान रहते हैं। तो सब बोलते हैं विष्णु भगवान है, कृष्ण थोड़ा भगवान है, लेकिन कृष्ण एक बार आते हैं बस, इतने सालों में एक बार। लेकिन आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि इसी जो चतुर्युगी है, द्वापर जो आया, इसमें हम लोग आए और कृष्ण भी आए, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। और उसी चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं उसी चतुर्युगी में जिसमें कृष्ण आते हैं, अर्थात कृष्ण स्वयं चैतन्य बनकर आते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली कि 500 साल पहले ही आए और फिर अपनी परंपरा छोड़कर जाते हैं, अपने भक्तों को छोड़कर जाते हैं, ताकि हम ये जान पाए कि भगवान कौन है और हम कौन हैं। नहीं तो जैसे पशु आपने देखा होगा ना, नजफगढ़ में तो बहुत घूमते रहते होंगे, गाय घूम रही है बेचारी या कोई भैंस घूम रही है, बस वो कुछ मिल जाए, कोई छिलका या कोई इस तरह से कुछ खाने का मिल जाए, बस ऐसे घूमते रहते हैं। नहीं तो लोग ऐसे बस चक्कर लगाते रहते हैं, वो चार पांव पर हैं
और वो चार पहिए की गाड़ी में है, अंतर कोई खास नहीं है। उसने भी चार पांव लगा लिए, उसके भी चार पांव थे, बस भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, कहीं कहीं मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए। तो इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना धनी है या कुछ कोई गरीब है। सबसे बड़ी वस्तु है वो, आपने सुना होगा ये भी एक सुंदर बोल है आधुनिक कवि का, राजा हो या रंग हो अंत सभी का होए। ऐसा नहीं कि राजा है तो वो कुछ अलग ढंग से मरता है और रंग है तो अलग ढंग से मरता है, सब एक ही तरह से मर जाते हैं। लेकिन जैसा मैं बता रहा था शायद पीछे, अभी हमने कहां चर्चा की थी पता नहीं, कि एक व्यक्ति संडे के दिन था, किसी की मृत्यु हो गई तो वो चला गया। जैसे आप लोग जानते ही हो, किसी की मृत्यु हो जाए तो शमशान घाट में चला गया, और उसके संबंधी समझा रहे थे, लेकिन वो बहुत व्यक्ति रो रहा था, तो उसने सबने समझाया भाई इतना रोना ठीक नहीं, देखो सबको जाना है। उसने कहा लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं, संडे के दिन ग्राहक ज्यादा आते हैं और सारा का सारा मेरा धन लुट रहा है, और इसको भी संडे को ही मरना था, अरे मंडे को मर जाता, उस दिन ग्राहक नहीं आते। तो आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है उसकी, उनकी यानी शमशान वैराग्य भी नहीं रहा। पहले शमशान वैराग्य होता था, शमशान में भी वैराग्य नहीं रहा, तो बस वहां पे भी फोन बजता रहता है, बस अभी आए 5 मिनट, आग तो लग चुकी है, बस अभी आए, बस पहुंच गया, बस दुकान पे हूँ, है ना। तो कितना खराब सिचुएशन होती जा रही है, धीरे 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 लोग भूलते जा रहे हैं किस लिए आए। लेकिन भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने जो बताया है मेरे समक्ष, मैं उसे वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु अब मैं क्या देखने का इच्छुक हूं, आप इस संसार में कैसे समाये हुए हो? भगवान कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां कृष्ण ना रहते हो, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, चाहे जड़ हो चाहे चल वस्तु हो चाहे अचल वस्तु हो, पहाड़ में भी कृष्ण रहते हैं, कोई भी अणु ऐसा नहीं है जहां भगवान न रहते हो। तो तात्पर्य में हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने इच्छा की है, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस रूप से आप सारे संसार में समाये हुए हो। पहले तो विभूति पूछी थी पिछले अध्याय में अर्जुन ने, क्या आपको कैसे याद करूं मैं, केशु केशु च भावेशु, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं, आप संसार में कैसे समाये हुए हो, क्योंकि दिखते तो हो नहीं लेकिन समाये हुए कैसे हो। तो तात्पर्य में हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है। कृष्ण इस संसार में ना हो तो यह पृथ्वी कहां चली जाएगी, गर्भ सागर में गिर गई थी एक बार, जिसे भगवान ने वराह के रूप में आकर के फिर इसे उठाया और फिर से स्थापित किया। क्योंकि जब आप दूसरे ग्रहों पर जाकर देखोगे तो यह भी आकाश में उड़ती नजर आती है, ऐसा नहीं है कहीं टिकी हुई है, ये भी बॉल की तरह आकाश में है, दूसरे जब ग्रहों पे जाकर देखते हैं। तो भगवान के कारण है, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं और सूर्य है, आकाश में है। देखिए कोई सोचता है ऐसे ऐसे कोई नहीं सोचता, बस ये देख लेते हैं हाँ सूर्य निकल गया है, लेकिन भगवान की शक्ति से वो खड़ा हुआ है। ये मकान देखिए कितने सारे पिल्लर हैं यहाँ पर ना, लेकिन सूर्य के नीचे एक भी पिल्लर नहीं है, वो भगवान की शक्ति से खड़ा हुआ है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है। देखिए ये प्रभुपाद क्या समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन का जहां तक संबंध है उत्साहित है, वो प्रोत्साहित है सुनने के लिए भगवान से, अब कैसे इस संसार में हो प्रभु। लेकिन हम प्रोत्साहित किससे रहते हैं कि नया टीवी सीरियल कौन सा आया है, नया मोबाइल कौन सा आया है, हमारी उत्कंठा ही होती, नई ड्रेस कौन सी आई है। आजकल कोई हाँ माताओं में रहता है ना, दुकानों में जाकर पूछती है नई ड्रेस कोई आई है, नया स्टाइल कुछ, कैसा भी स्टाइल पहन लो अंदर तो वही है, खून पेशाब टट्टी और हड्डी और उसमें मल वात पित्त कफ भरा हुआ है, सेप्टिक टैंक के अंदर आत्मा पड़ी है ये समझ लो। आपके घरों में होगा ना सेप्टिक टैंक, जहां पर कनेक्शन नहीं होता तो वो क्या करते हैं, गड्ढा खोद के ऊपर लेंटर डाल देते हैं, उसमें भरता रहता है, फिर वो सेप्टिक टैंक वाले आते हैं वो खाली करते हैं। तो हमारा शरीर ऐसा है, भगवान ने थोड़ी पैकिंग पुताई अच्छी कर दी, बस सफेदी अच्छी कर दी, नीचे चौक मिट्टी से लगा दिया, चौक मिट्टी से फिर वो ऊपर भर दिया, तो अब थोड़ा दिखने लग गया हाँ भाई ये बड़ा सुंदर है। और भी कई लोग तो रगड़ते रहते हैं उसको कि और थोड़ा चमक जाए तो कितना अच्छा रहे, है ना।
लेकिन ये बहुत बड़ी भयंकर माया है। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी माया जो है ना वो बहुत दुष्कर है, वो ऐसे ढक देती है व्यक्ति की बुद्धि को, वो खोया रहता है हमेशा उसमें। कितना गजब है ना। सब जानते हैं कि एक दिन बूढ़ा होना है, कितना भी पनीर खा लो, कितना भी उसके पास चले जाओ ब्यूटी पार्लर्स के पास, कितना भी जिम में चले जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाना है कि जब 95 साल उम्र हो जाती है तो कैसी स्थिति होती है हमारी, झुर्रियां पड़ी हुई हैं और लोग ये कहते हैं पता नहीं कब मरेगा ये, और हम वैसे मरना नहीं चाहते, लेकिन जैसे मैंने कहा हो सके तो इसी में जीवन बिता लो, हो सके तो इसी में समझ लो जो अभी आयु है, खिला हुआ कमल की तरह आयु है ना एज, इसमें सब कुछ कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और भगवान को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वे भगवान को उनके विराट रूप में देखे, ताकि कोई आने वाले समय में यह ना कह दे कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो एक स्थापना करना चाहता है अर्जुन कि भगवान आप विराट रूप दिखा दो। तो भगवान ने वहीं खड़े खड़े उसी रथ पर खड़े खड़े ऐसा रूप दिखाया कि कहीं तो भयानक उनकी मूछें, कहीं लाल लाल आंखें जलती हुई आंखें, और कहीं अपनी जीभ से खा रहे हैं लोगों को, लोग ऐसे आ रहे हैं तूफान की तरह से उनके मुख में, और कोई अगर इधर उधर चिपक जाता है जीभ से उसको खा लेते हैं कड़ाक, और खून गिरता है। देखिए भगवान का विराट रूप बड़ा भयानक था, इधर से लोग जन्म ले रहे हैं, मृत्यु सर्वस्चाहम भगवान कहते हैं मैं सबकी मृत्यु हूं, उद्भवश्च भविष्यताम और सबको जन्म देने वाला मैं हूं। तो एक मुंह से ऐसे लोग आ रहे हैं और भगवान खड़ा खाते जा रहे हैं और फिर एक मुंह से जन्म देते जा रहे हैं। और किसी किसी का होता है ना, किसी के यहाँ टेंट लगा होता है सफेद, नीचे वो बिछा करके बैठे रहते हैं कि जी वाह आए तो वो चला गया जी, अब बहुत अच्छा आदमी था ये था है ना, और कोई कोई तालियां बजाते रहते हैं कि आज हमारे लड़का हुआ है। तो कृष्ण बोल रहे हैं मृत्यु सर्वस्चा हूं, मैं सबको मारने वाला हूं और सबको जन्म देने वाला हूं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन चाहता है कि भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे अलग हैं। अर्जुन भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, चूंकि वे भगवान हैं इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, भगवान जानते हैं, लेकिन क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी। यह बड़ा जोशीला अध्याय है। अब जैसे जैसे यह अध्याय आगे बढ़ेगा जोश आ जाता है सुनने वालों में और पढ़ने वालों में। जब गीता पर पूरी गीता हम पढ़ते हैं तो जब 11वां अध्याय आता है तो वॉइस वॉल्यूम चेंज हो जाता है पढ़ने वालों का, क्योंकि इतना भयंकर रूप दिखाएंगे भगवान कि अर्जुन डर जाएंगे इस रूप को देख करके। क्या कहेंगे, अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टवा भयेन च प्रवर्तितम मनो मे तदेव मे दर्शया देव रूपम प्रसीद देवेश जगत निवासा। अर्जुन डर के मारे कांपने लगे उस रूप को देख करके, इतना भयानक रूप है ये जो भगवान अब दिखाने वाले हैं, खा रहे हैं जो अपने दांतों से लोगों को खा रहे, देखिए क्या दृश्य होगा, किसी का आया शरीर कटा खाया खून गिर रहा है मुख से, भगवान ऐसा रूप दिखाते हैं अपना और मार रहे हैं रोज भगवान, इसीलिए कितने लोग मर जाते हैं तो भगवान मारने वाले हैं। तो क्या कहें अर्जुन, अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टवा, पहले ना देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं बहुत हर्षित हूं कि आप तो भगवान हो। मैं तो सोचता था मेरा दोस्त है, तो ये तो भगवान निकला। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टवा, लेकिन भयेन च प्रवर्तितम मनो मे, मैं डर के मारे बहुत घबरा गया हूं, इतना भयंकर विकराल रूप देख, घूरती आंखें लाल लाल जलती हुई आंखें मूछें बड़ा भयंकर चेहरा, भगवान ने न जाने कितने सारे मुख मंडल दिखा दिए अर्जुन के सामने। भयेन च प्रवर्तितम मनो मे तदेव मे दर्शया देव रूपम
प्रसिद्ध देवे से जगत निवास, हे जगत के निवास अर्थात हे जगत के आश्रय, हे देवेश, हे देवताओं के स्वामी, मुझे अपना वही दिव्य रूप दिखाइए जिसमें आप मधुर बांसुरी वादन करते हैं, और सुंदर वो श्याम रूप दिखाइए मुझे आप, हटा लीजिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वो वही रूप दिखाइए प्रभु। तो इसलिए अर्जुन चाहता है कि अन्यों को विश्वास आए। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा, जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। अगर कोई देखिए, भगवत गीता इतनी शक्तिशाली है, ये इसका एक एक पन्ना इतना शक्तिशाली है कि इसका एक पन्ना भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसके पीछे में एक कथा मिलती है। एक बार एक सिपाही था, एक बार एक सिपाही जा रहा था रास्ते में, अपने क्वार्टर में जा रहा था, उसने कहीं किराए पे लिया हुआ था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में अंधेरी रात में लगभग 11-12 बजे के आसपास एक स्त्री खड़ी थी, बड़ी सुंदर सजीले गहने वस्त्र धारण किए हुए। अब उस सिपाही ने देखा, वो एकदम स्ट्रांग था, उसने देखा अरे एक स्त्री खड़ी है, तो उसने गाड़ी रोकी, कहाँ जाना है आपको? अक्सर लोग होते हैं ना जिनका दिमाग ऐसा होता है, वो माँ का रूप नहीं देखते, कोई माँ बेचारी यहाँ खड़ी है तो वो देखते हैं अरे भूख करो, क्योंकि ये भूखने की मशीन खड़ी है। तो उसने कहा कहाँ जाना है आपको? तो उसने, उस स्त्री ने कहा आप जहाँ ले जाना चाहो ले जाओ। तो उसने कहा फिर तो बैठ जाओ। वो बैठ गई उनके साथ में, और वो अपनी गाड़ी से लेकर अपने क्वार्टर में ले आया और उसके साथ रहने लगा। एक दिन बीता, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, महीना बीता, तो रोज वो उसके साथ ऐसे पत्नी की तरह जैसे रहते हैं, पत्नी की तरह से उसके साथ रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रात में दोनों सो रहे थे, तो पति ने कहा, मतलब पति बन गया अब उसका, वो विधिवत विवाह नहीं हुआ था, बस उसके साथ रहता था, जैसे आजकल हो गए ना लिविंग इन, आजकल तो हो गया ये लिविंग इन, नया फैशन आया है, अब आपको शादी फेरे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिन रहो फिर किसी और के साथ कुछ दिन रह सकते हो, ये नया आजकल ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि स्वीडन गवर्नमेंट ने भी एक नया रूल पास किया अभी 3 दिन पहले, हमने डाला था इसको नजफगढ़ पर, आपने देखा होगा। अगर आपको आत्महत्या करनी है तो ऑथराइज कैप्सूल मिलेगा, आप मेडिकल स्टोर से जाकर कहो वो वाला कैप्सूल दे दो जिससे मर जाते हैं लोग खा करके, मतलब सरकार ने अलाउ कर दिया है, अब आप मरना चाहो तो आराम से मर सकते हो, कोई क्राइम नहीं है अभी ये। तो ऐसे ही भारत सरकार ने भी कर दिया, जैसे कुत्ता बिल्ली किसी के साथ रहते हैं अब आप रह सकते हो, अब फेरे लेने की जरूरत नहीं। तो ये भी ऐसे ही रह रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अंधेरी रात थी और दोनों सो रहे थे, तो उस पुरुष ने कहा उस स्त्री को कि वो लाइट तुम बंद कर दोगी? तो वो थोड़ा दूर थी दीवार से, अब वो भी सो रही थी, उसने कहा ठीक है अभी बंद कर देती हूँ लाइट। तो इतनी दूर थी कि मान लीजिएगा वहां पर वो बॉक्स है ना जो ये स्पीकर का, इतनी दूर थी लाइट। तो उस स्त्री ने क्या किया, ये हाथ बढ़ाया और वहां तक स्विच तक उसका हाथ चला गया और लाइट बंद कर दी। वो घबरा गए, ये कौन है भाई, मैं किसके साथ रह रहा हूं? उसको स्टन पसीना आ गया उसी रात में, उसने कहा कि ये तो कुछ और ही भला लग रही है, मैं किसके साथ रह रहा हूं, इसने क्यों हाथ बढ़ाया और स्विच उड़ गए, फिर सो गई। तो उसने कहा कि इसे पीछा छोड़ाना चाहिए, ये मुझे मार भी सकती है, कौन है पता नहीं, भूत है, कोई प्रेत है, क्या है। तो उसने जब अगले दिन वो ऑफिस गया तो उसको सूखने का रोग लग गया। अब वो तो वहीं पर मिलती घर में, वो कह रहा घर में जाऊं तो घर में भूत है, पता नहीं कौन है। तो डॉक्टर से दवाई लेने गया, डॉक्टर ने कहा कि क्या बीमारी है कुछ तो बता, कह रहे बीमारी ये है कि सूखता जा रहा हूं बस, घर में घुसने में डर लगता है कि पता नहीं मुझे ना खा ना जाए, ये पुरुष है स्त्री है क्या है भगवान जाने। तो वो बहुत सारी दवाइयां लाता था लेकिन दवाई कोई असर करे कैसे, घर में पिशाचनी बैठी है। वो कौन थी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा ना, वो कौन थी, एक फिल्म भी आई थी वो एक चुड़ैल थी।
और जो खड़ी हुई थी ऐसे और वेश बदल कर आई थी और चुड़ैल पिशाच प्रेत ये सब ऐसा काम कर सकते हैं। तो आप लोग भी सावधान रहना, कभी रात में जा रहे हैं और आप आपसे कोई लिफ्ट मांगे तो आप गाड़ी मत रोक देना। तो एक दिन क्या हुआ, किसी वैद्य के पास वो गया, वो ढूंढ रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, बस अब कुछ ही दिनों में मरने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल देखते ही वो एकदम कांपने लगता था, खाना पीना खा नहीं सकता था और वो वहीं रह रहे हैं घर में। तो एक दिन क्या हुआ, किसी वैद्य के पास गया, वैद्य को जाकर कहने लगा कि मैं बहुत बीमार हूं और बहुत मुझे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी बीमारी लगी है जिसके कारण मैं बहुत सूखता जा रहा हूं। डॉक्टर ने नब्ज देखी, उसकी वैद्य ने नब्ज देखी, नब्ज देख करके उसने कहा कि आपको कुछ अजीबोगरीब बीमारी है, क्योंकि वैद्य पकड़ नहीं पाया। आमतौर पर तो नाड़ी वैद्य पकड़ लेते हैं ना कि आपका पेट खराब है, आपका कुछ शुगर में प्रॉब्लम है या कौन सी प्रॉब्लम है। उसने कहा आपको कुछ अजीबोगरीब बीमारी है, लेकिन फिर भी चलो मैं कुछ चूर्ण देता हूं, आप इसको घोल करके पी लेना, ठीक हो जाओगे। जबकि उसने वैद्य को बताया नहीं बीमारी क्या है, उसने बताया नहीं बीमारी है क्या। तो हुआ ये कि उसने पुड़िया में बांध करके और वो दवा दे दी उसको। अब वो सिपाही घर में आया, घर में आता ही जैसे आज उसने देखा तो वो जो चुड़ैल थी वो एकदम खूंखार रूप बना करके खड़ी, आंखें लाल लाल जल रही है और चेहरा भी बड़ा भयानक है और बाल भी ऐसे खड़े हैं। और उसने देखा कि आज इसने अपनी असलियत दिखा दी, आज दिखा दी कि ये कौन है। अब वो वहां पर बाहर खड़ा था, लेकिन वो बड़ी जोर से चिल्ला करके बोली, बहुत जितनी भी तब ऐसी आवाज आई जैसे डैक में आवाज आती है कि तुम्हारे हाथ में जो पुड़ी है उसको बाहर फेंक दो, नहीं तो जान से मार दूंगी तुम्हें। वो बोल रहा है, वो बोल रही है कि तुम्हारे हाथ में जो पुड़ी है इसे फेंक दो। उसने कहा इसको नहीं फेंकूंगा, मैं ये दवाई लेकर आया हूं, इसे ठीक हो जाऊंगा मैं। तो उसने कहा फेंक दो। तो वो धीरे धीरे वो बाहर की तरफ आई, वो जो चुड़ैल थी वो पिशाचनी बाहर बाहर की तरफ आई और सिपाही अंदर की तरफ आया और वो चली गई। उसने कहा कि इस पुड़िया में कुछ ना कुछ तो है ऐसा, ये अपने आप ही भाग गई, इसमें ऐसा क्या है। तो उसने वो चूर्ण देखा, तो वैद्य जी ने तो खाली चूर्ण दिए हुए थे, दो चार चूर्ण से कोई पिशाच भागते हैं क्या? लेकिन जानते हैं वो पुड़िया क्या थी। वो जो पुड़िया थी वो भगवत गीता का एक पेज था फटा हुआ, जिस पर कि वो चूर्ण उसमें रखे गए थे, और वो जो भगवत गीता का पेज था उसको चुड़ैल समझ गई थी कि ये क्या आ गया हमारे घर में। और वो उस दिन के बाद उस घर में कभी नहीं आई, उस भगवत गीता के कागज के कारण। दवाई से चूर्ण से ठीक नहीं हुआ, केवल भगवत गीता का एक पेज फटा हुआ था उसने दे दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि ये जो हमारे हाथ में ये क्या है। और ये सत्य घटना सुनाई मैंने, ये कोई शास्त्रीय घटना नहीं है, ये सत्य घटना है। इसका खाली एक पेज पर चूर्ण रखा था, चूर्ण तो फेंक दिया। तब वो समझ गया, जब उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ था विराट रूप, उसी विराट रूप का अध्याय था और उसमें कुछ श्लोक लिखे हुए थे। तो वो समझ गया ये तो भगवद गीता का पेज है। और उस दिन से उस व्यक्ति ने क्या करना शुरू कर दिया, डेली पूरी भगवद गीता लेने गया कि कोई गीता बेचने वाला है दुनिया में। अगर आपके साथ ये घटना हो जाए तो आप सारे काम छोड़ोगे फिर, है ना, जितने भी आपके जरूरी काम हैं आप क्या कहोगे, सबसे पहले गीता बाद में कुछ और। तो वो व्यक्ति गया और ढूंढते ढूंढते जहां पर इस्कॉन वाले मिलते हैं ऐसे स्थान में रेड लाइट, तो उसको गीता मिली और वो पूरी गीता अर्थात रोज एक अध्याय का पाठ करने लगा। और उस दिन के बाद वो चुड़ैल उस घर में कभी नहीं आई। तो आप गीता के लिए क्लैपिंग कीजिएगा, देखिए कितनी पावरफुल है ये भगवद गीता। हमें जब हम कोई श्लोक पढ़े, अक्सर कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो गीता का श्लोक चल रहा है, अभी हमारा बोलने का टाइम नहीं, लेकिन ये गीता के श्लोक नहीं है, ये गीता के मंत्र है। वास्तव में एक गीता के मंत्र है, एक श्लोक का उच्चारण करने का इतना बड़ा सशक्त लाभ है। जैसे कि एक और घटना, शायद मैंने पहले सुनाई होगी ये घटना, एक बार हस्बैंड वाइफ थे, नया नया विवाह हुआ था, हनीमून के लिए गए थे और किसी पार्क में लेटे हुए थे वो,
जैसे आजकल भी आप देखते होंगे पार्क में लेटे हुए थे, हस्बैंड लेटा हुआ था और पत्नी बैठी हुई थी, और रात्रि का समय हो गया था और पेड़ था बड़ा भारी उस पार्क में, उसके ऊपर वो नीचे बैठे हुए थे। रात जैसे हुई अचानक देखते हैं कि पेड़ के अंदर कुछ हलचल सी है, कुछ लाइट सी जल रही है और कुछ ऊट पठान किस्म के लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं। वो वास्तव में हो क्या रहा था जानते हैं? ये तो पद्म पुराण की कथा है, शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को, कहते हैं शिव जी कहते हैं पार्वती ऊपर भूतों का विवाह चल रहा था, भूतों भी विवाह करते हैं, वो भी बारात में जाते हैं, तो ऊपर में भूतों का विवाह चल रहा था उस पेड़ पर, और बहुत ज्यादा भूत इकट्ठे हुए थे क्योंकि फीस बना होगा, जरूर पनीर बना होगा या कुछ कुछ स्वादिष्ट खाने बने होंगे। तो अचानक उस लड़के ने देखा कि इतने भयानक लोग हैं, ये कौन है? तो अचानक जैसे उसकी दृष्टि पड़ी तो एक भूत नीचे आने लगा खतरनाक दृष्टि से, कि अरे तो कुछ मिल गया ऐसा, इनको पकड़ूंगा मैं। तो जैसे ही वो नीचे आने लगा तो वो कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा, बड़ी जोर जोर से थर थर कांपने लगा। तो स्त्री तो जो लड़की थी वो तो बैठी थी, उसने कहा क्या हुआ? वो बोलने लगा ऊपर ऊपर देखो ऊपर ऊपर क्या है? तो उसने देखा रे बाप रे, ये तो भयानक कोई इस तरह से आता जा रहा है, हाथ लंबा और चेहरा बड़ा भयानक है। तो उस स्त्री को कुछ नहीं आता था, उसने क्या बोल दिया आप देखिए, ये है आठवें अध्याय का पहले श्लोक का महात्म सुनाया शिव जी ने। उस लड़की को कुछ नहीं आता था, सिर्फ उसने अचानक उसको एक क्या याद आ गया, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदि भूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। ये श्लोक उसको याद था, कैसे याद था वो बाद में। तो जैसे उसने ये श्लोक उच्चारण किया उस पूरे पेड़ में ब्लास्ट हुआ, पूरे पेड़ में ऐसा लगा जैसे किसी ने टाइम बम लगाकर आग लगा दी हो। ये कौन सुना रहे हैं ये कथा? पार्वती को शिव जी सुना रहे हैं पद्म पुराण के अंदर, कि उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ और सारा पेड़ फट गया और जितने भी भूत पिशाच थे उस पेड़ के अंदर सब को दैविक शरीर मिला और सब विमानों में बैठ करके भगवान के धाम चले गए एक श्लोक उच्चारण करने मात्र से। तो वो जो लड़का था उसने पूछा उस अपनी पत्नी से कि तुमने कौन सी विद्या का प्रयोग किया, ये क्या किया तुमने, इतना बड़ा हुआ ये सब लोग चले गए। वो कहने लगी मैं भी खुद नहीं जानती मैंने क्या बोला। वास्तव में हुआ ये कि हमारे घर में मेरे पिताजी पहले अध्याय का पाठ करते हैं और वो भगवद गीता का पहला अध्याय बार बार पढ़ते हैं, और मैं झाड़ू देती बस केवल सुन लिया करती थी, तो अचानक वो मुझे याद हो गया था क्योंकि मेरे पिताजी रोज आठवें अध्याय का पाठ करते थे। तो उस समय और तो मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन मैंने ये श्लोक उच्चारण कर दिया और न जाने मुझे तो पता नहीं था इस श्लोक में इतनी ताकत होगी, इतनी शक्ति होगी। तो इसलिए जब भी श्लोक का उच्चारण किया जाए आप भूतों को पूरी श्रद्धा के साथ, बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से इस श्लोकों को गाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए संस्कृत है, आप ये मत सोचना कि संस्कृत भाषा नहीं आती तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। श्री चैतन्य भगवान जब दक्षिण भारत में गए थे तो एक ब्राह्मण था वहां पर और उसको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, लेकिन गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि रोज गीता पढ़ना है आपको, एक पाठ का अध्ययन करना है, तो वो रोज भगवद गीता का पाठ करता था, लेकिन संस्कृत आती नहीं थी, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और वो रोता रहता था। तो लोग सोचते थे कि शायद इसलिए रो रहा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं उसके द्वार पर आए एक दिन। सोचिए भगवद गीता पढ़ने का कितना लाभ है, भगवद गीता अध्याय करने का कितना लाभ है। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये गीता उच्चारण की थी वो उनको देखने आए, वो बड़ी श्रद्धा के साथ रोते रोते पढ़ता था इसको। तो भगवान ने पूछा हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें संस्कृत नहीं आती और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं तुम पर, फिर भी तुम गीता पढ़े जा रहे हो। तो ब्राह्मण ने क्या बताया, मुझे मेरे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि तुम रोज गीता पढ़ा करो, इसलिए गीता का पाठ कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा तुम रो क्यों रहे हो? तो जानते उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा मैं तो
इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं भगवद्गीता को खोलता हूं तो क्या देखता हूं कि परम भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है अपने भक्त के ड्राइवर बन गए हैं। इतनी दया भगवान में। मैं तो ये बात सोच सोच करके रोता रहता हूं कि भगवान को क्या आवश्यकता है किसी का ड्राइवर बनने की। मालिक को पीछे बैठना चाहिए और सेवक को आगे बैठना चाहिए। लेकिन इस गाड़ी में मैं क्या देख रहा हूं, मालिक गाड़ी चला रहा है और सेवक पीछे बैठा है। आपने दृश्य देखा है भौतिक संसार में ऐसा कि सेठ जी तो गाड़ी चला रहे और नौकर पीछे बैठा है? नहीं। वो कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भगवान ने क्या कहा कि वास्तव में तुम गीता का भाव समझ गए हो, गीता का यही संदेश है। तो हम जब भी संस्कृत का उच्चारण करें तो आपको पूरी श्रद्धा से गाना चाहिए इन श्लोकों को। न जाने कितने जीव यहां पर होंगे जिनको कि उनका उद्धार हो जाएगा। और गीता के श्लोकों को याद भी करना चाहिए। हम रघुनाथ दास गोस्वामी की घटना देखते हैं। आजकल मैंने ग्रंथ शुरू किया, प्रभु जी ने मुझे दिलाया था नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारे दिव्य ग्रंथ, तो मैं एक ग्रंथ की समाप्ति पर हूँ क्योंकि मैं छोटी पुस्तक से हमेशा शुरू करता हूँ। उस पुस्तक का नाम है मुक्ताचरित, और जानते किसने लिखी है? रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखी है। रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे ग्रंथों को पढ़ते थे, हम उनसे हमें सीखना चाहिए कैसे हमें भगवद्गीता को पढ़ना है। श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हें पुस्तक दी जिसका नाम था ललित माधव नाटक। क्या नाम था? तो ललित माधव नाटक रघुनाथ दास गोस्वामी को जब मिला और जब उन्होंने इसको पढ़ा तो इतना आंसू बहाए, ऐसे रो रहे थे कि पत्थर भी पिघल जाए। पूरे भाव के साथ वो उस ग्रंथ को पढ़ रहे थे। उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। श्री कृष्ण जब सो जाते हैं तो इतने आंसू बहाते हैं, रात भर बोलते रहते हैं, गोपी 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 गोपियां हे गोपियों, इस तरह भगवान रोते रहते हैं अपने भक्तों को याद कर कर करके। और इतने आंसू बहाते हैं कि पूरा तकिया गीला भर जाता है। और रुक्मिणी देवी हाथ उठाकर पूछती है, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ याद आ गया था पहले का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये लीलाएं पढ़ी कि भगवान अपने भक्तों के लिए इतना रोते हैं, तो वो रो रो करके मूर्छित होकर गिर पड़े और इतना क्रंदन कर रहे थे, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना सो रहे हैं, इन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। और आप तो जानते ही हो 1000 बार दंडवत करते थे रोज भगवान को। हम तो एक दंडवत में सोचते हैं कि बस अब दूसरी बार क्या करना, कर तो लिया है ना। 1000 बार भगवान को रोज दंडवत प्रणाम। वैष्णवों को 2000 बार रोज दंडवत प्रणाम करते थे। खाते क्या थे? एक दोना बस छाछ, वो पी लेते थे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण नाम का भजन करते रहते थे। और इतना रोए कि मूर्छित होकर गिर पड़े। तब भक्तों ने जाकर बताया रूप गोस्वामी को, हे रूप गोस्वामी पाद, आपने कौन सी ऐसी पुस्तक दे दी कि हमारे महाराज तो उठते ही नहीं है, रोते ही रहते हैं। उठते हैं तो बस आंखें भरी रहती हैं, आंसुओं से भरा रहता है। तो रूप गोस्वामी आए दोबारा से और कहने लगे, पाद गोस्वामी, श्री पाद गोस्वामी, एक गलती हो गई मुझसे। देखिए रूप गोस्वामी सीनियर है रघुनाथ गोस्वामी के सामने, लेकिन रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, श्री पाद गोस्वामी इस पुस्तक में ना थोड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको दे दी है, आप इसमें थोड़ा ना मुझे करेक्शन करना है, तो आप ये पुस्तक वापस दे दो मुझे और मैं आपको दूसरी पुस्तक लाया हूँ आपके लिए, तब तक आप वो पढ़ लेना। वो कौन सी थी? दान के लिए कौमोदुकी, वो ये ले लो और वो दे दो, और जब ये ठीक कर दूंगा तो मैं दे जाऊंगा आपको। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, ठीक है चलो ये ले जाओ आप, और वो पढ़ने लगे। जब उन्होंने दान के लिए कौमोदुकी पढ़ी तो हृदय में उनकी लीला स्फुरित हुई। उनको ऐसा कनेक्शन हुआ कि कृष्ण अभी कहाँ है। हरि नाम के जप में इतनी पावर है कि आप यहीं बैठे बैठे ये देख सकते हो कि भगवान क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं, किन के साथ में हैं और क्या वार्ता चल रही है। इस जप में इतनी पावर है कि भगवान से मिला सकता है बिना गुरु दीक्षा भी। दीक्षा को हम इसलिए ले लेते हैं ताकि माया देवी का कोई अटैक आए तो वो ढाल का काम करे,
क्योंकि माया से युद्ध करते हैं तो ढाल भी होनी चाहिए ना, तो गुरु जी हम इसलिए बनाते हैं ताकि ढाल हमारी रक्षा कर ले। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कौन सी लीला स्फुरित हुई? मुक्ता चरिता। मुक्ता चरिता का मतलब है कि जो मोतियों की खेती की थी भगवान ने एक बार, आपको ये कुछ लोगों को मालूम होगी ये कथा, भगवान श्री कृष्ण ने मोतियों को बोया था वृंदावन की जमीन में, तो बहुत सारे मोती उगाए थे और मोती लगे थे उनमें, और गोपियां आई थी, गोपियों को भी भगवान ने कहा था कि आप मैं दूंगा बड़े महंगे मोती दूंगा आपने, तो गोपियों ने कहा हम भी अपनी अलग से खेती करेंगे। उसमें जो वार्तालाप है ये बस इसी लीला में वो पुस्तक समाप्त हो जाती है। और क्या लीला है, कितने अपर लेवल की है वो लीला, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते आपके सामने, वो लीला ऐसी है पब्लिकल नो, पब्लिक में नहीं बताई जा सकती वो लीला, इतनी बहुत अपग्रेडेड लीला है। भगवान को ऐसे ऐसी गालियां देती है मेरी गोपियां मुझे कुछ कुछ अमुक लीला प्रभु की छवि आ रही थी भगवान कृष्ण के रूप में, कि भगवान कृष्ण जैसे हैं ऐसा लगता है जैसे अमुक लीला प्रभु जैसे ही स्वभाव के होंगे, एकदम भगवान वैसे हैं मजाकिया कोई कह नहीं सकता ये भगवान है, जैसे अमुक लीला प्रभु को कई लोग सोच लेते हैं, गलत गैस कर लेते हैं कि ये भक्ति नहीं लगता है, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं सुना देते हैं प्रभु जी ऐसे स्टाइल में, तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही स्वभाव के, ऐसे बोलती कामी चला जाए यहां से, ऐसे गोपियां उन्हें डांटती हैं। लेकिन ये लीला कौन देख रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमेशा भगवान का नाम जप कर रहे हैं और केवल एक दोना छाछ पी रहे हैं और राधा कुंड के तट पर रहते हैं। तो इसीलिए ये घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए हमारे आचार्यों को देख करके, तब हमें वो आस्वादन होगा। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस कौन सी पुस्तक को पढ़ा, कौन सी पुस्तक को पढ़ा? मुक्ता चरिता उन्होंने लिखी माता जी पहले पढ़ा, जो ललित माधव नाटक को पढ़ा, नोट कर लीजिएगा, ललित माधव नाटक को पढ़ा, इसके कारण उनको विरह भाव हुआ। उसमें द्वारका की लीला है भगवान की, क्योंकि द्वारका में सत्यभामा ने स्वप्न दिया था। पहले तो रूप गोस्वामी एक ही ग्रंथ लिख रहे थे, वृंदावन और द्वारका की लीलाओं का एक पुस्तक लिख रहे थे, लेकिन सत्यभामा सपने में आई रूप गोस्वामी के, कहने लगी हे रूप कृष्ण की जो ये जो दो लीलाएं हैं ना इनकी एक पुस्तक मत लिखो, अलग अलग लिखो। तो जो द्वारका की लीलाएं हैं उसका नाम है ललित माधव नाटक, और जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं उसका नाम है विदग्ध माधव नाटक, विदग्ध माधव ललित माधव, ठीक है। तो लेकिन हमें इस प्रकार से गीता को पढ़ना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, भगवद गीता पर कमेंट्री की तैयारी कर रहे थे, देखिए जिस गीता को हम डिस्ट्रीब्यूट करने की चर्चा करते हैं हर व्यक्ति से, आजकल बस दिन रात एक ही स्वप्न दिखाई देता है कि कैसे भगवद गीता को आगे भेजा जाए, दिन रात बस गीता जो भी नजर आता है उस ऐसा लगता है ये गीता लेगा या नहीं लेगा, ऐसा भाव है क्या करें, क्योंकि 31 दिसंबर बड़ी तेजी से आ जाएगा, है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद छत पर बैठ करके गीता की कॉमेंट्री की कुछ विचार लिख रहे थे, और इतना गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी का मौसम था, और अचानक बड़ी तेजी से लू चलने लगी, और वो लू ऐसी थी अगर कोई थोड़ी देर बैठ जाए तो बीमार हो जाए, और प्रभुपाद तो उस समय 75 साल के आयु के हैं लगभग, वृंदावन की पेड़ के ऊपर छत पे लिख रहे थे। तो जैसे ही वो लू चली तो उनके डिसाइपल्स ऊपर गए और कहने लगे प्रभुपाद नीचे चलो नीचे चलो, क्योंकि ऐसी लू चली है ये बीमार कर देगी, आप तो वृद्ध हो। जानते प्रभुपाद ने क्या कहा कि इस समय जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं ना, अगर मैं नीचे गया तो इसको मेंटेन में लिख नहीं पाऊंगा, और आने वाले 10,000 साल तक ये पुस्तक भारी मात्रा में बेची जाएगी सारे संसार में, इसलिए कितनी भी लू चल रही हो आप मुझे डिस्टर्ब मत करो और मुझे लिखने दो, मैं सहन करूंगा। और प्रभुपाद नीचे उतरे नहीं, उस इतनी झुलसाती हुई धूप में भी सोचिए लू चल रही है, इस कंडीशन में ये भगवद गीता लिखी गई है। अगर हम ये भगवद गीता किसी को देंगे तो उसका जीवन बदल जाएगा, और मैंने आपको सुनाया कि चुड़ैल भी भाग जाएगी, एक पन्ने से भाग सकती है। तो पूरी गीता अगर घर में आ जाए आपके, आपके आप में से यहां कोई ऐसा रखती है जिसके घर में गीता नहीं हो अभी, अगर नहीं होगी तो हम यही वाली गीता उसको फ्री गिफ्ट देंगे, ठीक है। आप दो माता हैं और आप भी ये माता जी, हाँ। तो देखिए गीता होनी चाहिए,
जानते गीता डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है हमें। आप कुछ उस विषय पर आते हैं कि गीता को बांटा कैसे जाए, लोगों के घर कैसे भेजा जाए। आप लोगों से पूछिए कि आपके घर में पति पत्नी में कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो वो क्या कहेगा? 99% कहेगा हाँ, कुछ ना कुछ झगड़ा रहता ही है, या तो इकट्ठे बैठते नहीं, बैठते तो लड़ाई करके उठते हैं, है ना। उनसे ये पूछेगा क्या आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो हर व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ बिल्कुल है, भविष्य की चिंता है, क्योंकि आजकल एटमॉस्फेयर इतना खराब हो गया है कि न जाने वो शराब पीना शुरू कर दें या ड्रग्स लेना शुरू कर दें या किसी ऐसे गलत संघ में पड़ जाए। और जैसा मैंने कहा, स्वीडन देश ने अभी अभी नया नियम बनाया है क्या कि आप सुसाइड कैप्सूल खरीद सकते हो, ऑथराइज लीगलाइज कर दिया उसको। तो अर्थात जानते हैं इसका क्या भाव है? इसका भाव है कि सुसाइड का रेट बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, भारत में भी, भारत में भी बड़ी तेजी के साथ डाइवोर्स का रेट भारत में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 31% है अभी भी बता रहे हैं, 31% माय गॉड, वर्ल्ड का रेट है 31%, इंडिया का 13% है। लेकिन सोचिए 13% भी बहुत ज्यादा है भारत की जनसंख्या के हिसाब से, मतलब इतने लोग विवाह करते हैं, इतने लोग तलाक ले लेते हैं कुछ दिन बाद ही। तो आप पूछ सकते हो तीसरा प्रश्न, क्या आपको अपने भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, आपको डर लगता है आपके आगे का जीवन कैसा चलेगा, बच्चे आपका कहना मानते हैं? तो 90% लोग कहेंगे नहीं। तो आपको क्या कहना है? केवल ₹150 में इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में है। आप हजारों लाखों रुपए वकीलों को दोगे, हजारों रुपए आप कहां दोगे? पुलिस स्टेशन में देके आओगे, पुलिस वाला कहेगा ना अगर जरा सी भी जिगजैग हुई तो वो कहेगा लाओ ₹15,000 दो, तब छोड़ेंगे। तो केवल ₹150 तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ऐसे प्रश्न डिस्ट्रीब्यूशन हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कंटेंट हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए कि गीता में क्या है ऐसा, भगवत गीता में ऐसा क्या है जो हम ले लें, क्यों हम इसको बांटें। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में मिलता है, देखिए 1896 में उन्होंने पुस्तक भिजवाई थी मॉन्ट्रियल में, और भोपाल लिख रहे हैं कि 1896 में ही मेरा जन्म हुआ था, और एक हमारे आचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा भविष्य में जो कितने सारे विदेशी भारत में आएंगे और वो क्या गाएंगे, जय सचिनंदन गौर हरि। तो ऐसा हुआ जो कि प्रभुपाद ने करके दिखाया। और दिल्ली वालों को ज्यादा गीता पढ़ना चाहिए, वैसे दिल्ली वाले बांट रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप पूछोगे क्यों दिल्ली वालों को ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली वो शहर है जहां पर स्वयं श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण किया था। प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा पुस्तक वितरण स्वयं जो किया है वो दिल्ली में किया है। वो चांदनी चौक के जो चाय की दुकान है उसमें जाते थे प्रभुपाद हाथ में लेकर के भगवत दर्शन, और लोग चाय पी रहे होते थे और प्रभुपाद कहते थे ये पुस्तक ले लो, इसका नाम है बैक टू गॉड हेड, इसको पढ़ करके आप भगवान के धाम चले जाओगे। तो लोग कहते चलो चलो, और प्रभुपाद चुपचाप आगे बढ़ जाते थे। इनको पहले छपवाते थे, लिखते थे और खूब बांटते थे, देखिए, और लोग बोलते थे चलो चलो हटो हमारे पास समय नहीं है। तो प्रभुपाद ने फिर एक लेख लिखा था, सबसे बड़ा रोग क्या है, नो टाइम, क्रॉनिक डिजीज है आज, किसी के पास इस शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है। तो प्रभुपाद ने एक लेख लिखा, बाकी सब समय के लिए समय दे देंगे, है ना। हम अक्सर अपने सेंटर में भी मैं ये देखता हूं, ये डिजीज अगर सेंटर में आना हो तो कुछ डिवोटी ऐसे हैं कथा में नहीं आएंगे, लेकिन अगर कोई भी भक्त अपने घर में प्रोग्राम करा दे उसमें सारे जाएंगे, 100% जाएंगे। ये बीमारी पता नहीं कौन सी है हमारे यहाँ की ना, अगर मान लीजिए कोई घर में किसी के कुछ फंक्शन है, शादी है या कुछ है, उसमें सारे के सारे 100% हो जाएंगे, और सेंटर में वहां क्या जाना, वहां तो खिचड़ी मिलनेगी ज्यादा ना, खिचड़ी दे देंगे या कुछ उसके साथ हो सकता है खीर बनाने बस, तो क्या जाना वहां जाएंगे, वहां कुछ बढ़िया आइटम होंगे शायद, लेकिन कुछ ये समझ से बाहर है कि क्या सोच है उन भक्तों की कि केवल बस फंक्शंस में 100% वैसे कभी नहीं आएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो प्रभुपाद जी से हमें वैसे दिल्ली मंदिर ज्यादातर फर्स्ट ही आता है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन हमें शिक्षा लेनी है किन से, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो कार्य रशियन डिबोटीज ने किया है वो किसी ने नहीं किया आज तक। महाराज एक बार सुना रहे थे घटना, क्योंकि महाराज ने रशिया में ज्यादा प्रीचिंग किया है, वो सुना रहे थे कि रशिया के अंदर जो टेम्परेचर है कितना होता है जानते हैं, -27 डिग्री जाता है, यहां पर 0-1-2 आता है तो थर थर कांपते हैं हम लोग, और वहां पर -27। और महाराज बता रहे थे जब गीता मैराथन आया तो वहां का टेम्परेचर -20 था तब, और हमने वहां जाकर लोगों को कहा कि आपको रोज भगवद गीता पाठनी है। और ये वो देश है जहां पर लोगों ने इतने मुक्के खाए, भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने देखे, सोचिए वो कैसा दृश्य होगा, बताने से नहीं लगेगा आपको, कोई एग्जाम्पल दिखाने से आपको पता चलेगा। सोचिए कोई ब्रह्मचारी है, हेडशेव किया हुआ है, शिखा रखी हुई है और ब्रह्मचारी के कपड़े पहने और उसका गला घोटा हुआ है, उसको मुंह पे मुक्का मारा जा रहा है, वो कैसा दृश्य होगा। वो बेचारा ये ब्रह्मचारी है, भगवद गीता बांट रहा है, इतना बुरी तरह से उसको पीटा गया और इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो रोने लगा, चिल्लाकर रोने लगा, जवान लड़का, इतनी बुरी तरह से, और फिर जेल में भी डाल दिया, जेल में बिजली के करंट लगाए गए, बिजली के करंट, वो बताते थे कि जब करंट लगता था तो काम जाती थी मेरी रूह, और फिर भी नहीं माने तो फिर पागलों के हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, ऐसी दवाइयां दी जाती थी, ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते थे कि पागल हो जाए, और फिर भी नहीं, और एक दिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जो ब्रेड आती थी उसमें से वो गोलियां सुखा करके उनको मछली खाने को दी जाती थी, तो रशिया के देश में देखिए उनको ऐसे ऐसे खाने दिए जाते थे, कुछ नहीं खाते थे, ब्रेड आती थी ब्रेड को सूखी को खाते थे, ब्रेड से जपमाला बनाई, अपना कपड़ा फाड़ करके उसका धागा उसमें से जपमाला बनाई और जप कर रहे थे। और आकर के एक दिन एक बड़े दरोगा थे, उसने क्या देखा कि जो जप कर रहा था भक्त जो था, उसने जितने और कैदी थे उनको भी जप में लगा दिया है, उनको कहा कि इसमें बहुत सुख मिलता है तुम भी जप करो, तो सारे जप कर रहे थे जितने और जुर्म में आए थे। तो वो दरोगा इतना क्रूर था, उस दिन उसने आकर के इतनी बुरी तरह से उसको मारा, इतनी बुरी तरह से मारा, और ये भक्त हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता था, देखिए तब भी हरिदास ठाकुर को याद कर रहा था कि हरिदास ठाकुर ने 22 बाजारों में जिस तरह से उन जल्लादों के लिए प्रार्थना की थी, ये रशिया का भक्त अभी 1988 से पहले की बात है केवल, जिस समय कौन राष्ट्रपति था, गॉर्बचोव, तो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उस रशिया के भक्त से मुंह से निकल गया कि आज तूने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। उस भक्त के मुंह से जब चीख निकली तो वो दरोगा अपने घर गया, घर में बैठ करके किसी फंक्शन में जाना था अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, पहाड़ी पर कोई रास्ता पहाड़ी का पड़ता था, पहाड़ी से वो उसकी गाड़ी रोल करती हुई नीचे आई पर गिरी और खिल खिल उड़ गए उस गाड़ी के, एक बार उस भक्त ने मुंह से निकाला था। लेकिन सोचिए उस देश में, उस देश में ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी गीता के लिए, उन्होंने तो कभी ये भी नहीं सुना था कि कृष्ण कौन है, हु इज दिस बॉय, वो पूछते थे जब उनको उन्होंने पहली बार देखा था तो पूछा था, हु इज दिस बॉय, ये लड़का कौन है जो ये चला रहा है, राधारानी को पूछा था हु इज दिस गर्ल, ये कौन है ये लड़की, उनको ये भी नहीं पता था, लेकिन बाद में गीता के लिए अपनी जान भी दे दी। और हम लोग हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये गीता मैराथन आता ही क्यों है, है ना, ये साल ये महीना सबसे खराब महीना है, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का महीना कैलेंडर से हटा दो, फिर 11 महीने आराम से भक्ति करेंगे। लेकिन देखिए जब हम कृष्ण के लिए सहन करते हैं, कृष्ण के लिए निकलते हैं, कृष्ण के लिए बेइज्जत होते हैं, तो उसी दिन एक स्टार मिल जाता है भक्ति का आपको कंधे पर, एक गीता भी आपने बांट दी ऐसे भक्ति भाव से तो आपको एक स्टार मिलेगा भगवद गीता कृष्ण की प्रसन्नता का। भगवान बोलते हैं ये मेरे लिए बहुत प्रीतिजनक है, न जाने कितने जन्मों के पाप निकल जाएंगे अगर आपने एक व्यक्ति को एक गीता दे दी तो इसलिए हमें विशेष रूप से दिल्ली के डिबोटीज को ज्यादा गीता वितरण करना चाहिए।
और देखिए एक कोटेशन में है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई गीता नहीं बांटता है, जैसे आप कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाला किसी ने भरत ने बहुत सुंदर व्हाट्सएप में, प्रभुपाद रो रो करके उसमें बोल रहे हैं ना कि तुम लोगों ने मेरा कितना मतलब सहयोग किया है, मेरी गुरु की आज्ञा का पालन करने का कितनी सहायता की है, मैं तुम लोगों का ऋणी हूं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता नहीं बांटता है वो डिस सर्विस कर रहा है अपने गुरु के प्रति, क्योंकि हर सन्यासी की इच्छा है ज्यादा से ज्यादा गीता बांटी जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये डिस सर्विस है अपने गुरु के प्रति। तो हमें गुरु की, एक शिष्य होता है जो गुरु की इच्छा को जानता है और कार्य करता है, एक शिष्य होता है गुरु जी कहते हैं ये कार्य करो तब करता है, और एक शिष्य क्या होता है गुरु जी कहते हैं ये करो और फिर भी आनाकानी करता है। तो हमें वो गुरु वो शिष्य बनना है जो गुरु की इच्छा को पहचानता है। ये नहीं कहकर किया तो क्या हुआ, ऐसे लड़के बच्चे होते हैं जो अच्छे लड़के होते हैं ओबीडियंट सिंसियर, वो माता पिता की इच्छा को जानते हैं तो कार्य करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता कहते हैं तब कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कहने पर भी नहीं करते हैं। तो हमें वो बच्चा बनना है भगवान का जो भगवान की इच्छा को जानता है, क्योंकि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो इस रहस्य को बताता है जो इस संदेश को आगे पहुंचाता है उससे प्रिय ना तो कोई है और ना होगा। तो हमें निकलना तो चाहिए ना कृष्ण के लिए, कभी निकले हम क्या, हमें देखना चाहिए हम कृष्ण के लिए कभी निकले हैं क्या बाजार में, बीच बाजार में क्या गीता ले लो गीता ले लो, या किसी से फोन पर तो बात कर ही सकते हैं या जा करके मिल सकते हैं, वो मना ही तो कर देगा, लेकिन हमें बोलने का अवसर मिलता है भगवान के लिए कृष्ण के। एक घटना बहुत सुंदर है जो मैंने रियलाइजेशन से निकाली है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हो मुझसे कि प्रभु जी हम तो बंधे हुए हैं, हम दूसरों को निकालने के लिए गीता क्यों बांटे, खुद तो इतने बंधे हैं अपने रजोगुण से तमोगुण से सत्वगुण से इतने बंधे हुए, हम लोगों को क्यों बचाएं, अपनी चिंता ना करें क्या, ध्यान से गीता पढ़ें बस और भक्ति करें हम निकल जाएंगे, है ना, ये प्रश्न सही है कि नहीं। लेकिन कृष्ण ने एक लीला ऐसी की जिसमें कृष्ण स्वयं बंधे हैं दूसरों को उद्धार कर रहे हैं, इसी कारण से कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि जब मैं बंधा हुआ था माता ने मुझे उखल से बांधा हुआ था तब भी मैंने दूसरों पर कृपा करने के लिए उनको मुक्त किया और रेंगता हुआ चला मैं, कृष्ण खड़े होकर नहीं गए झुक कर गए पेट के बल गए, देखिए रेंगते हुए गए, अर्थात ह्यूमिलिटी सिखा रहे हैं कृष्णा, ह्यूमिलिटी सिखा रहे हैं कि हमें रेंग करके जाना होगा, इससे लाभ क्या मिलेगा कि हम दूसरे को निकाल पाएंगे। आमतौर पर भक्त बंधे ही रहते हैं लेकिन उनकी इच्छा होती है, उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैं नहीं कर पा रहा अगर ये ले लेगा तो इसका उद्धार हो सकता है। तो स्वयं हमारे जो नेता है भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया, उन दोनों नल को और मणिग्रीव का उद्धार किया उन्होंने खुद बंधे होने के कारण भी। तो हम भले ही अभी भक्ति में उतना डेवलप नहीं हुए लेकिन हम अगर ये संदेश पहुंचा देते हैं किसी दूसरे हाथ में तो उसका उद्धार हो सकता है, और हो सकता है उसका पुण्य पहले का ज्यादा हो, जिनका पुण्य पहले ज्यादा होता है ना तो वो आज एक माला करते हैं कुछ ही दिनों में 16 माला, चार नियम, एकादशी व्रत, भगवद गीता, भागवत प्रभुपाद की पुस्तकें बड़ी तेजी के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि पहले का पुण्य शेष है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम खुद तो बंधे हैं और दूसरों को क्या निकालेंगे, कृष्ण ने ऐसा ही किया, खुद बंधे होने के बावजूद भी दूसरों को निकाला। इसके अतिरिक्त श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज का क्या विचार था पुस्तक वितरण के विषय में, जिस समय आपने देखा है किस किसने देखा है चैतन्य मठ जो मायापुर में है, चैतन्य मठ प्रभु जी ने तो देखा ही होगा, चैतन्य मठ दर्शन किया ना, जिस समय चैतन्य मठ बन रहा था, देखिए सन्यासी लोगों की सोच क्या होती है, जिस समय वहां पर मिस्त्री लोग वो डाल रहे थे सीमेंट और वो ईंटें लगा रहा था तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहां पर आए और मिस्त्री से जानते क्या बोल रहे हैं कि जरा मसाला सीमेंट कम लगाना सीमेंट कम डालना, हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास पैसे नहीं हो तो हम इस मंदिर की ईंटों को बेच करके पुस्तक वितरण करना चाहेंगे।
हमें तोड़ने में कहीं ईंटों में दिक्कत ना आए, इसलिए सीमेंट कम लगाना। देखिए क्या स्टेटमेंट है, इससे पता चलता है कि हमारे आचार्य ने, अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम लोग भी टेलीविजन में सीरियल देख रहे होते इस समय 8:30-9 बजे होंगे ना, कोई बढ़िया सा सीरियल चल रहा होता, चाय की चुस्की होगी, हो सकता है सिगरेट भी पी रहे होते, हो सकता है कुछ किसी होटल में मीटिंग कर रहे होते, न जाने कहाँ होते और अपने आप को बर्बाद कर लेते, है ना। लेकिन आज हमने कुछ तो सीखा ही है, 4 नियमों का पालन, चाय कॉफी ऑनियन गार्लिक कुछ भी नहीं, नो टीवी, इडियट बॉक्स आउट कृष्णा इनसाइड। तो इडियट बॉक्स का मतलब महामूर्ख डब्बा जो हम रख देते हैं ना आजकल, सबसे बेस्ट रूम में रखा होता है वो, एंट्रेंस में वही नजर आता है, आजकल तो दीवार में ही आ गया ना। हाँ, पहले तो उसको ढक देते थे, कुछ छोटा होता था, अब तो इतना बड़ा होता है, देखना पड़ता है ये सिनेमा हॉल है या घर है, है ना। तो इडियट बॉक्स है वो, वास्तव में वो देख रहे होते हम लोग, लेकिन अब हमें पता ही नहीं होता कि समाचार क्या आया, कौन सा न्यूज है, कौन सा सीरियल आया है, कुछ नहीं पता हमें। देखे प्रभुपाद ने, क्योंकि उन आचार्य ने मेहनत की थी, तो हम 1% भी अगर हमने प्रगति की हो तो उनकी कृतज्ञता ये होगी कि हमें इसे पहुंचाने का प्रयास तो करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप बांटो ही बांटो, लेकिन प्रयास में तो कमी नहीं छोड़नी चाहिए ना, सच बात है कि नहीं। कितने लोग मांगते हैं उधर, जो सो रहे हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं, ठीक है, वो भी हाथ उठाएंगे तो कुछ कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। एक बार हाथ उठाया था उसने वहां पर कथा में, कि बांटनी चाहिए कि नहीं चाहिए, माताएं उधर से पीछे बांटनी चाहिए ना माता, यस, उन लोगों के लिए बांटनी चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। तो हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कि ईटे इस तरह लगाइए कि ताकि जीता मित्र प्रभु का उदाहरण देखते हैं, जानते कैसे भक्त बने थे, कोई जानता है आप में से? यस, प्रभु जी जानते हैं और ये दो जानते हैं, दो डिबोटी जानते हैं। उनको गीता कहां मिली थी? कबाड़ी की दुकान में सामान बेचने गए थे कबाड़ खाने का। तो जब कबाड़ का सामान देने गए, कबाड़ी की दुकान में गीता ऐसे पड़ी हुई थी मिट्टी में, बिल्कुल जैसे कबाड़ी की दुकान में पड़ी रहती है। उन्होंने पूछा, रही ये तो गीता है, ये आपने ऐसे क्यों डाल रखी है? उन्होंने कहा कि क्या मुझे मिल सकती है? उन्होंने कहा हाँ ले लो। कह रहे कितने की? कह रहे हमने तो इसकी मुश्किल से 1 रुपया दिया होगा, क्योंकि इतना ही वजन था इसमें कबाड़ी ने। तो प्रभु जी उसको 5 रुपये देकर ले आए और उसको गीता को पढ़ा, और आज लिख रहे हैं श्री भगवान ने कहा, गीता की मर्म दे रहे। देखिए सोचो कितनी बड़ी बात है, यानी गीता कभी भी खराब नहीं जाएगी। प्रभु जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, ये प्रभुपाद की पुस्तकें टाइम बॉम्ब के समान है। आपने किसी को गीता दे दी, प्रभुपाद की पुस्तक दे दी, इसका मतलब टाइम बॉम्ब लगा दिया, अब समय आने पर ये फट जाएगा और सब लोग भक्त बन जाएंगे घर में। तो ये टाइम बॉम्ब के समान है ये पुस्तकें, कोई 20 साल बाद पढ़ता है, कोई 5 साल बाद पढ़ता है, और कोई अभी तुरंत पढ़ना चालू कर देता है ना। तो इसको टाइम बम की हमें मानना चाहिए। दो घटनाएं छोटी छोटी सुनाकर मैं समाप्त करूंगा। प्रभुपाद पहली बार जब वापस अमेरिका गए तो 2 डिवोटी थे, इंद्रदुम स्वामी और भूगर्भ प्रभु। उस समय इंद्रदुम प्रभु ही थे, मतलब उस समय महाराज नहीं बने थे और नए नए जुड़े थे इस्कॉन से, और भूगर्भ प्रभु। तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे टेंपल प्रेसिडेंट, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि प्रभुपाद आ रहे हैं, एसी भक्तिविनोद स्वामी प्रभुपाद आ रहे हैं भारत से, और जो भक्त फर्स्ट आएगा गीता मैराथन में उसको अवसर मिलेगा फूट बैथिंग का, वो प्रभुपाद के चरण धो सकेगा। तो इंद्रदुम महाराज और भूगर्भ प्रभु वो लिखते हैं कि जब हमें ये बताया गया कि हमें प्रभुपाद के चरण धोने का अवसर मिलेगा, तो 1 महीना 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, आप जानते हो ना रोड के नीचे सबवे बना होता है, वो कह रहे हैं कि हम अपने कपड़े वहां लेकर आ गए थे, वहीं रहते थे, कह रहे मंदिर में जाएंगे देर लगेगी, तो सबवे के नीचे ही रहते थे, वहीं पर कहीं कोई ऐसा हैंडपंप मिला वहीं नहा लिए, वहीं खा लिए, रोड पर 1 महीने तक। और जब रिजल्ट बताया गया तो दोनों फर्स्ट थे, दोनों मतलब एक ही स्कोर था दोनों का, तो दोनों को प्रभुपाद के चरण धोने का अवसर दिया गया। तो ऐसी घटनाएं हमें विदेशी भक्तों की मिलती है। तो इस प्रकार से हमने खैर कुछ चर्चा की, प्रभु जी ने बताया कि समय हो गए हैं,
तो आखिरी संदेश कि भक्तिसदान महाराज से पूछा कौन गीता बांट सकता है, कौन प्रचार कर सकता है, तो भक्तिसदान महाराज का क्या उत्तर था, जिसके शरीर में प्राण है वो गीता बांट सकता है, जिसके शरीर में प्राण नहीं है वो नहीं बांट सकता। इसका मतलब जो व्यक्ति जीवित है वो दे सकता है। तो आपको प्रयास तो करना चाहिए ना, इस भगवान की इतनी बड़ी योजना में भगवान चाहते हैं ये संदेश उनका घर घर जाए, तो आपको प्रयास सबको करना है, ठीक है। अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान आपसे खुश होंगे, चाहे एक भी गीता ना बटे उसकी चिंता मत करना, लेकिन प्रयास में कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। मेरे पीछे बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवद्गीता मैराथन महामहोत्सव की।